हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इटारसी की ओर से निकाली गई रिक्रूटमेंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आती है और मॉरीशस इंडिया लिमिटेड की एक कंपनी, इसके द्वारा DBW पर्सनल के रिक्रूटमेंट है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस निकाली गई। तो जिन कैंडिडेट के पास में भी रिक्रूटमेंट के लिए सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म और सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों इसका एप्लीकेशन फॉर्म है वो ऑफलाइन मोड में भरा जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले अपन चलते हैं इसके डिटेल नोटिफिकेशन पे और जानते हैं कि इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया। तो अप्रेंटिस ट्रेनिंग और टेक्निकल सरकारी जॉब्स की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए और जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पर क्लिक कर नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि वीडियो के माध्यम से आप तक हर जानकारी पहुंचती रहे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सअप चैनल को भी ज्वाइन कर ले, जिसका लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पर भी हम लगातार अपडेट आप तक पहुँचाते रहूँगा। दोस्तों यदि आप बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंसी सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर या अदर जो ऑफिशियल जॉब से रिलेटेड रिक्रूटमेंट निकलती है उसकी लेटेस्ट अपडेट प्राप्त करना चाहते हो, तो आप हमारे अनोदर यूट्यूब चैनल बैंकिंग जॉब्स गाइड को सब्सक्राइब कर लो, जिसका लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप देख रहे हो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इटारसी यूनिट ऑफ मॉरीशस इंडिया लिमिटेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइजेज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इटारसी डिस्ट्रिक्ट नर्मदापुरम MP की ओर से निकाली गई एंगेजमेंट ऑफ टेन्योर बेस्ड CPW। यहाँ पे रिक्रूटमेंट निकाली गई टेन्योर बेस्ड निकाली गई, जिसमें केमिकल प्रोसेस वर्कर की कॉन्ट्रैक्ट बेसिस भर्ती की जाएगी। जिन कैंडिडेट के पास में AOC पे ट्रेड में एक्स अप्रेंटिसशिप के क्वालिफिकेशन है या जिन कैंडिडेट के पास में NTC का सर्टिफिकेट है NCVT द्वारा जारी किया हुआ, उन कैंडिडेट को शुरुआती तौर पर 1 साल के लिए यहाँ पे रखा जाएगा। उसके बाद में इसको 1-4 साल तक आगे एक्सटेंड किया जा सकता है। सबसे पहले वैकेंसीज की अपने यहाँ पे बात करें तो टेन्योर बेस्ड CPW को 19,900 प्लस जो DA है वो कैंडिडेट को पेड किया जाएगा। स्किल लेवल स्किल्ड होने जरूरी है। वैकेंसी टोटल 87 निकाली गई, 87 पदों के लिए वैकेंसी है वो निकाली गई, जिसमें अनरिजर्व की 20 वैकेंसी, OBC NCL की 7 वैकेंसी, SC की 17, ST की 28, AWS की 18 और एक सर्विसमैन के लिए 8 पदों को यहाँ पे रखा गया। SNCL क्वालिफिकेशन की बात करें या तो कैंडिडेट AOCP ट्रेड में जिन्होंने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में ट्रेनिंग किया है, जिनके पास मैन्युफैक्चरिंग हैंडलिंग मिलिट्री एक्सप्लोर का एक्सपीरियंस है AOCP ट्रेड में, वो इसमें एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, या जिन कैंडिडेट के पास में ITI पास आउट की क्वालिफिकेशन है, NTC सर्टिफिकेट है AOCP ट्रेड में जिसको NCVT द्वारा जारी किया गया, तो वो कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। एज लिमिट 18 वर्ष मिनिमम रखी गई, मैक्सिमम 35 वर्ष रखी गई, जिसमें SC ST के कैंडिडेट को 5 साल की यहाँ पे छूट है दी जाएगी। OBC क्रीमिलियर को 3 साल की छूट है वो दी जाएगी और एक सर्विसमैन को मिलिट्री सर्विस प्लस 3 साल की छूट दी जाएगी। यहाँ पे कोई एप्लीकेशन फी नहीं रखी गई। जो कैंडिडेट सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट करते हैं वो इसका ऑफिशियल वेबसाइट से इसका प्रिंट आउट है वो निकाल के ब्लॉक लेटर में एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है। उसके बाद कैंडिडेट को जो इसके लिफाफे में डाल के लिफाफे के ऊपर कैंडिडेट को लिखना है टेन्योर बेस्ड CPW पर्सनल और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। उसके बाद चीफ जनरल मैनेजर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इटारसी डिस्ट्रिक्ट नंदपुरम मध्य प्रदेश में भेजना जरूरी है। इसका लास्ट डेट एप्लीकेशन फॉर्म बनेगी वो एडवर्टाइजमेंट है वो एम्प्लॉयमेंट न्यूज में पब्लिश होने के 21 दिन के अंदर अंदर कैंडिडेट इसका एप्लीकेशन फॉर्म वो सबमिट कर सकता है। यहाँ पे एनुअल इंक्रीमेंट पे कैंडिडेट को 3% है वो दिया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे कैंडिडेट को जो अदर EPF और ESI की फैसिलिटी है वो भी कैंडिडेट को दी जाएगी। मोड ऑफ सिलेक्शन की यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे कॉमन मेरिट लिस्ट है वो एक सर्विसमैन सॉरी एक अप्रेंटिस उनकी जारी की जाएगी। कैंडिडेट का जो सिलेक्शन है वो जो कैंडिडेट ने मार्क्स प्राप्त किया उसके आधार पे और जो ट्रेड टेस्ट और प्रैक्टिकल टेस्ट है उसके आधार पे यहाँ पे किया जाएगा। ट्रेड टेस्ट और है वो यहाँ पे 100 नंबर का रखा जाएगा, उसी के आधार पे कैंडिडेट की मेरिट लिस्ट है तैयार की जाएगी। यहाँ पे जो ITI NCVT के जो एग्जाम है उसमें 80% वेटेज दिया जाएगा मार्क्स को और जो ट्रेड टेस्ट और प्रैक्टिकल टेस्ट को 20% वेटेज है वो यहाँ पे दिया जाएगा। कैंडिडेट है उनका उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो किया जाएगा। उसके बाद कैंडिडेट को यहाँ पे ज्वाइनिंग है वो दी जाएगी। जनरल कंडीशन यहाँ पे कैंडिडेट्स के लिए दे रखी है, अदर बेनिफिट्स और जो टर्म एंड कंडीशन है तो वो यहाँ पे दे रखी है। कैंडिडेट को 1 साल पे 30 लीव है वो दिए जाएंगे हर महीने, यानी 2.5 लीव है वो कैंडिडेट को यहाँ पे पेड किए जाएंगे। सारी जानकारी यहाँ पे दे रखी है, इसके अलावा क्या क्या फैसिलिटीज है वो भी यहाँ पे कैंडिडेट को मिलने वाली है उसकी सारी जानकारी भी आपको देखने को मिल जाएगी। नीचे अपन चलते हैं तो इसका एप्लीकेशन फॉर्म आपको ये जो एमिनेशन और एक्सप्लोसिव ग्रुप ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है जिसमें कौन कौन से में कैंडिडेट को अपॉइंट किया जाएगा तो उसकी जानकारी यहाँ पे दे रखी है। ये नीचे एप्लीकेशन फॉर्म आप देख सकते हो, एप्लीकेशन फॉर टेन्योर बेस्ड CPW और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस टू बी फॉरवर्डेड बाय पोस्ट कैंडिडेट को भेजना है। सबसे पहले तो कैंडिडेट को अपने यहाँ पे रिसेंट पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ्स है वो यहाँ पे
चिपकाने, उसको सेल्फ अटेस्टेड भी कैंडिडेट को करना है। उसके बाद ब्लॉक लेटर में कैंडिडेट्स को अपना नाम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, एज, नेशनलिटी, कैटेगरी, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी यहाँ पे डालने हैं। आइडेंटिफिकेशन मार्क यहाँ पे इंटर करना है। मीडियम ऑफ टेस्ट है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो करनी है। एनएससी एनटीसी एवसीपी ट्रेड में जो आपने कर रखी है उसकी डिटेल्स यहाँ पे आपको डालनी है। अप्रेंटिसशिप की डिटेल डालनी है, यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस आपके पास वो डालनी है। डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या इसमें इंक्लोज करने हैं, येस नो आपको लिखना है। डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ आपको लगाना है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट लगाना है। एनटीसी एनएससी का सर्टिफिकेट, एवसीपी ट्रेड का लगाना है। अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का लगाना है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, डिक्लेरेशन फॉर्म, बैंक डिटेल्स आपके यहाँ पे लगाने है। दो फोटोग्राफ्स आपको लगाने, एक आपने यहाँ पे चिपका दिए, दूसरे आपको इसके साथ भेजने है, जिसपे डेट ऑफ बर्थ आपको पीछे के साइड में लिखनी है। सिग्नेचर आपको यहाँ पे करना है। ये आप डिक्लेरेशन फॉर्म ओबीसी कैंडिडेट के लिए जो यहाँ पे दिया हुआ, आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। ये अंडरटेकिंग है जो कि सिविल पोस्ट अंडर एक्ट सर्विसमैन कैटेगरी की है उनके लिए यहाँ पे रखी गई। उसके बाद आपको इसको लिफाफे में डाल के और जो यहाँ पे एड्रेस दिया उस एड्रेस के ऊपर बाई पोस्ट है सेंड करना है। उसके बाद कैंडिडेट को जो शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी तो उसमें टेस्ट के लिए कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। दोस्तों इसमें खासतौर पर जो एवसीपी ट्रेड के कैंडिडेट है उन्हीं के लिए रिक्रूटमेंट निकाली गई। लगातार वैकेंसीज है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सभी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की ओर से निकाली जा रही है। मेरे 3-4 वीडियो पहले भी बना चुका हूं, अलग अलग जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है उसकी देव रोड की अभी लेटेस्ट में वैकेंसी आई थी। उससे पहले भी यहां पे कई वैकेंसीज है वो भंडारा से आई थी, तो कई वैकेंसीज है वो आ चुकी है। तो एवसीपी ट्रेड वाले के अभी काफी अच्छा मौका उनके पास, अच्छा एक्सपीरियंस उनको यहाँ पे मिलेगा ताकि आगे भी उन्हें काम आ सके। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करना, कोई क्वेरी हो कमेंट करके बताना। धन्यवाद।